अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ और आप लोग भी सही होंगे। अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल से रिलेटेड, कि मैंने अपना कैरियर किस तरह बिल्ड किया सेल एग्जीक्यूटिव से लेके असिस्टेंट मैनेजर लेके मैनेजर, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया। और अगर आप लोग भी ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस पर आज आपको दूंगा थोड़ी सी टिप। तो आज का Q&A कर रही है मेरी वाइफ, क्योंकि वो सवाल जवाब बड़े अच्छे करती हैं और आपको पता है वाइफ जो है सवाल जवाब बहुत अच्छे करती हैं, समझ रहे हो? तो स्टार्ट लेते हैं, शुरू करें? जी बिल्कुल स्टार्ट करें। चले तो पहला आपसे सवाल करती हूँ मैं, कि पहले लोगों को बता दें कि आपने कैसे अपना सेल्स का करियर स्टार्ट किया, पहला स्टेप क्या था? पहला जो मेरा सेल का स्टेप था, पहले तो मैं बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट किस ईयर से किया। प्रोफेशनली जो मैंने स्टार्ट किया वो किया 2011 से, और मैंने स्टार्ट किया सेल्स एग्जीक्यूटिव से। और सेल एग्जीक्यूटिव का आपको पता है, क्या कहते हैं कि बड़ा स्टार्टिंग जो होता है बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, तो वहाँ से स्टार्ट किया। देन पे स्टेप टू स्टेप मैं आगे बढ़ता रहा। अब सेल्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, पर मैं सेल्स का जो काम कर रहा था वो कर रहा था रिटेल फैशन पे, जो क्लॉथ ब्रांड्स होते हैं, शूज़ ब्रांड्स होते हैं, उधर से मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मेरा स्टार्ट था 2011, और मैंने स्टार्ट किया एज अ सेल्स पर्सन। अच्छा, तो ये हो गया आपका कि आपने सेल्स में ऐसे एंट्री ली, पर आपको वहाँ एंट्री लेने के बाद जो डिफिकल्टीज आई, जो फेस करनी पड़ी, और जो हार्डवर्क आपने किया आगे बढ़ने के लिए, अक्सर होता है लड़के सेल्स ज्वाइन तो कर लेते हैं पर फिर इतना ज्यादा हार्डवर्क होता है कि वो एंड अप कर जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत ही खत्म हो जाती है, तो अब इस बारे में बताएं। स्टार्टिंग जो है मेरे बड़ा मुश्किल हुआ काम करना, क्योंकि न्यू जॉब होती है तो स्टार्ट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, क्या कहते हैं कि उससे पहले जो है हम लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, तो एकदम से जब हम लोग एक जॉब उसमें आते हैं तो हमें कोई थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। तो टाइमिंग बड़ा इफेक्ट कर रहा था मुझे, कि हम लोग सुबह से जाते थे, रात में आते थे। मतलब सेल्स में ये कि जाने का पता है आने का नहीं पता, ये एक बड़ी अच्छी छोटी सी है कि भाई आ तो गए हो पर जाओगे तो हमारी मर्जी से। तो बहुत मसले होते थे, टाइमिंग का इशू होता था जब स्टार्ट किया था। डेफिनेटली हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि किस तरह आएंगे किस तरह जाएंगे। ये मेहनत करी और माशाल्लाह से आज इस लेवल पे हूँ कि सेल्स से लेके आज मैनेजर हूँ। और मुझे वो टाइम भी तो गुजरा जब बसों में लटक के सेल्स का एक्सपीरियंस ऐसा होता था, क्या कहते हैं कि मैं जब घर से जाता था तो जो बसेस होती थी कराची की, अब तक भी ऐसी हैं, उस पर कोई चेंज नहीं आया, तो बस की छत पर बैठ के जाता था। और वो कंडक्टर जो है मुझे बड़े प्यार से कहते रहे, यार वो सार्जेंट की नज़र आए तो लेट जाना। तो बहुत मुश्किल से सफ़र किया है मैंने, और सभी करते हैं पर मैं अपना जब बता रहा हूँ तो बहुत। और जब वहाँ पे आपने ये हार्डवर्क करना शुरू किया तो आपके अंदर क्या मोटिवेशन थी? मतलब आप ऐसी बस आपका था कि बस करना है पैसे कमाने के लिए, दो चार पैसे हाथ में आ जाए, या आपका ये था कि मुझे इसमें करियर बनाना है? जब आ गया हूं, और आपने कैसे अपने आप को जो है ग्रूम किया, और कैसे आप अपने सीनियर्स की नजरों में आए कि उन्होंने आपको माशाल्लाह इतनी मतलब कम टाइम में आपको इतनी प्रमोशंस जो है वो ऑफर करी? स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मैं सेल्स में आया तो मुझे ये था कि मैं पैसे कमाऊं, अपनी पॉकेट मनी को वो बिल्ड करूं। बट जब मैं स्टेप टू स्टेप चलते रहे तो मुझे ये एहसास हुआ, कहते हैं ये पैसे बन तो रहे पर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मेरा कैरियर वहीं स्टक हुआ है। तो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब तक तुम अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, जब तक तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पैसे आ रहे, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, पर उसका जो मेन जो फोकस है वो मैं नहीं कर रहा। मैंने अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट किया, अपनी ग्रूमिंग करना स्टार्ट करी, अपने ऊपर लगाना स्टार्ट किया, तो एक प्रोफेशनल जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के सामने आया। फिर मैंने अपने सिस्टमेटिक काम किए जो सेल्स से रिलेटेड हैं, और टीम के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें ऐड हुई तो मुझे हुआ, क्या कहते हैं कि कैरियर बनाने में ये चीज़ों में कितना बहुत बड़ा हाथ होता है,
जैसे ही ये स्टेप टू स्टेप मैं बिल्ड करता रहा तो डेफिनेटली मैं पोजिशन में भी आता रहा। सेल्स से जब मैं असिस्टेंट मैनेजर आया तो मेरे और चीज़ें बढ़ गई, मतलब आप ये कहेंगे मेरे टास्क बढ़ गए। फिर मुझे टीम से भी बात करनी पड़ती थी, टीम को ब्रीफ भी करना पड़ता था, इस तरीके से मैं स्टेप टू स्टेप। अब ये बताएं कि जब यंग लड़के जो है सेल्स की फील्ड जब ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि इतना ज़्यादा टफ जॉब होती है और सीनियर जो है अक्सर अपना गुस्सा भी निकाल देते हैं और डांट भी देते हैं, तो लड़कों को लगता है कि भाई मुझे डांट कैसे दिया, क्योंकि यंग होते हैं उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो जब आपके साथ ऐसा होता था तो आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते थे और उनको कैसे रिएक्शन देते थे? बिल्कुल मुझे मसला आता था क्योंकि घर में हमें डांट वांट पड़ती नहीं थी, और ये जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो हम बोलते थे, क्या कहते हैं कि ये कौन है भाई जो हमारे ऊपर आके सवाल जो आप कर रहे हैं इस तरह के। बट ये है कि वो चीज़ें जब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती नहीं तो समझ में आएगा, कहते हैं कि वो लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई बंदा या कोई भी पर्सन जो है आपको अगर कोई चीज़ सिखा रहा है तो या उसका लहजा अच्छा होगा या बुरा होगा, आप दोनों को अंडरस्टैंड करें या आप दोनों से एक चीज़ सीखने को वो करें। पर मैंने उन चीज़ों को सीखा क्योंकि मेरे एक सीनियर जो मैनेजर थे जो मुझे सिखा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जब तक गलतियाँ नहीं करोगे जब तक सीखोगे नहीं। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की अपने कैरियर में और उस गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो न्यू जनरेशन की जैसे बात करी आपने कि वो आजकल की जो न्यू जनरेशन मुझे नज़र आ रही है ना, वो यही क्या कहते हैं कि वो फाइव सिक्स सेवन मंथ्स काम करते हैं और फिर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हमको कोई पोजीशन नहीं मिलती। पर मैं आजकल जो जनरेशन देख रहा हूँ कि ना उनको बोलने की तमीज़, ना उनको अपने ग्रूमिंग या अपने ऊपर काम करने की वो नहीं है, तो वो इस तरफ सोचा ही नहीं, क्या कहते हैं कि हमको पोजीशन क्यों नहीं मिल रही है। पहले वो अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को इस लेवल पे लेके आएं, क्या कहते हैं कि लोग आपको इस चीज़ पे अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ कि ये सेल्स में आ सकते हैं। तो वीडियो शूट करते वक्त ये होता है बार बार, हर दो मिनट बाद एक मिनट रुको, फिर फ़ोन पर लग जाएंगे, ऑफिस से आ जाएगा, फिर कोई मैसेज आ जाएगा। ये है सेल्स वाले लोगों की ज़िंदगी। ये बताइए, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो बन गए, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, तो उनको आगे प्रमोशन हासिल करने के लिए उनके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी और ऐसा क्या होना चाहिए कि सीनियर देख के आपको अप्रोच करे के या आपको रिकमेंड करे के बंदे को प्रमोशन मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने टाइम को पंचर रखें, सेकंड अपने आप को वेल मेंटेन रखें, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज जो सेल्स की होनी चाहिए, और एक कस्टमर सर्विस आपको इस तरह की होनी चाहिए, क्या कहते हैं कि आप जब कस्टमर से बात कर रहे हो या किसी भी एरर पे या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप बात करें तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर होंगी तो डेफिनेटली सीनियर भी ये कहेगा, कहते हैं कि इसको मेरी टीम में काम करना चाहिए। और ये सेल्स में एक ये फैक्टर भी बहुत हो जाए जो को एम्प्लॉयज होते हैं, आपस में अक्सर जेलसी क्रिएट हो जाती है कि कुछ लोग बहुत पहले आए हुए होते हैं पर नए आने वाले को प्रमोशन मिल जाती है, नए आने वाले को नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली पुराना वाला अच्छा काम कर रहे होते तो उससे मिलती है। तो सेल्स में जो है ना, ये लोग इससे कैसे डील करें और कैसे बचें, क्योंकि मैंने भी सेल्स में इतना सा काम किया हुआ है, तो एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है आपस एम्प्लॉयज़ में और जेलसी फैक्टर ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। स्टार्ट में मैंने ये बताया, क्या कहते हैं कि दो तीन थ्री या टू मंथ्स फाइव मंथ काम करते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमें पोजीशन नहीं मिली, पोजीशन के लिए टाइम देना पड़ता है इसकी। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा रहा, पर मैंने लोगों को इग्नोर किया और मैं अपने उस पर फोकस रहा जिसको मैंने एम किया था, और फिर स्टेप टू स्टेप फिर मैंने भी उनके साथ मिलके जो है उनको डील करना स्टार्ट किया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें आएंगी, पर मैं बिल्कुल सही रह सकता हूँ। और दूसरे कैसे इसको डील करें? उनके साथ दूसरे भी ऐसे ही डील करें, पहले जैसे वो अपने इनको इग्नोर करें, अगर ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर उसके साथ बैठ के या उस टीम के साथ बैठ के जो है उनको फिर आप ट्रेन या उनको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका काम भी डिस्टर्ब रहेगा। सेल्स एक टफ जॉब है, तो लोगों को पता नहीं होता कि वो जिस सेल्स की फील्ड में अगर एंटर कर रहे हैं तो कितना टफ होने वाला है उनके लिए, कितना हार्ड होने वाला है उनके लिए।
तो अगर कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो तो केपेबल है, अगर उनको करियर बनाना है तो वो जाएं या नहीं जाएं या क्या करें, तो इस बारे में बोलें। देखें, टफ तो हर काम होता है और जब तक काम आपको आएगा नहीं वो आपको टफ ही लगेगा। काम सेल्स में जाना चाहिए, सेल्स में बहुत अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन हैं। सेल में बिल्कुल जाना चाहिए, सेल से सिर्फ यही है कि जब तक आप फॉर्मेट के ऊपर सीखेंगे नहीं जब तक आपको हर काम टफ। थोड़ा सा ये भी अवेयर कर दें लोगों को कि सेल्स में अगर उन्हें करियर बनाना है तो जो छोटी छोटी कंपनीज खुल गई हैं, या क्योंकि अक्सर फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, तो अगर उन क्योंकि सेल्स तो बहुत तरह की सेल्स है ना, इंश्योरेंस सेल्स है, रिटेल सेल्स है, मार्केटिंग है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अगर लोग आपकी फील्ड में जाना चाहते हैं, रिटेल वाली फील्ड में, तो वो लुक आफ्टर बड़ी कंपनीज को करें या क्या करें, वो मतलब उनका कंपनी को चुनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, अगर बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले उनको छोटी छोटी स्मॉल कंपनी से स्टार्ट लेना चाहिए। देन फिर क्योंकि अब जो हैं जितने भी ब्रांड्स हैं वो अब एक्सपीरियंस स्टाफ रिक्वायर्ड करती हैं, तो स्टार्ट यही कि वो छोटी छोटी कंपनी से स्टार्ट लें, पहले अपने आप को बिल्ड करें और छोटी छोटी कंपनियों से सीखे। तो आपका सेल्स में कितने अरसे का एक्सपीरियंस हो गया है? सेल्स का एक्सपीरियंस मेरा रहा है 11 ईयर। तो ये तो आपका हो गया 11 साल का एक्सपीरियंस, सेल्स की बातें सारा कुछ एक्सपीरियंस, आपने थोड़े मशवरे भी दे दिए लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। अब आप माशाल्लाह काफी सालों से मैनेजर की पोस्ट पे, कोई ऑलमोस्ट 8 साल से आप मैनेजर की पोस्ट पे, तो अब जो ये आपका मैनेजर का एक्सपीरियंस है और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैनेजर का अब जो एक्सपीरियंस है मेरा गुड, बहुत मजा है, क्योंकि मैंने सेल्स से कैरियर में जो जो मिस्टेक्स की हैं और अब मैं अब जब देखता हूँ एम्प्लॉय को करते हुए, तो अब मुझे उनको बिल्ड और उनको ब्रीफ और उनको ट्रेन करने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि इस दौर से इस वक्त से मैं भी गुजरा हूँ, तो अब मुझे उनको ट्रेन करने में इसलिए मज़ा आता है और मुझे खुशी होती है, कहते हैं कि अब जो है मैं इस लेवल पर हूँ कि मैं नीचे एक टीम जनरेट कर रहा होता हूँ, उसको बिल्ड कर रहा होता हूँ, उसको ट्रेन कर रहा होता हूँ, उसको अब प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो अब जो है जो गलतियाँ मुझसे हुई या और बाकी एम्प्लॉय से हुई अब उनको सही करने के लिए मेरे पास अब एक पोजीशन है, और यही एक पूरा मकसद है कैरियर का कि सेल्स में आने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने आप को बिल्ड करें, और जब आप अपने आप को इतना बिल्ड कर लें कि आप किसी को नीचे ट्रेन कर सकें, तो ये एक बहुत ज़रूरी है कैरियर में कि आप अगर बहुत सी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपने लोगों में, तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है कि आप अपने आप को पहले बिल्ड करें, अपने आप को ग्रो करें। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जब आप जॉब होती है, फिर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है। जब आप मैनेजर की पोस्ट पे आते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत चिल जॉब है, सिर्फ आपको मैनेज करना है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैनेजर बनने के बाद कोई चिल जॉब नहीं होती, मैनेजर बनने के बाद आपकी जो है मैनेजमेंट की जो है अब जो एक वर्ड है मैनेजमेंट, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है आपसे बढ़ जाती हैं। अब हर चीज़ के जो आप जिम्मेदार हैं वो आप ही हैं, आपका कोई स्टाफ कोई गलत करेगा तो उसका भी रिप्लाई आपने देना, और कोई भी ऐसी चीज़ मिस्टेकली अगर रिटेल में अगर कुछ होगी जिसका मैं ओन कर रहा हूँ या जो मैनेजर भी ओन कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, तो इसमें मसला आपको थोड़ा बहुत आएगा, पर ये कोई चिल जॉब नहीं है, इसके ऊपर आपकी जो फोकस है जॉब के ऊपर और कैरियर के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको अगले स्टेप के बारे में सोचना है कि अब आपको यहाँ से एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर व्हाटएवर जो भी पोजीशन है वो जो बननी है। चलें अब आज के क्यू एन ए को रैप अप करते हैं, बस सिर्फ लास्ट में आप ये बता दें तो और कोई मैसेज देना चाहते हैं यंग जनरेशन को जो अब अपना करियर सेल्स में स्टार्ट करना चाहती है, तो उनको अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे दें। हाँ, उनके लिए मैसेज ये है कि स्टार्ट बिल्कुल नहीं, इधर उधर बैठने से अच्छा है बिला वजह एक सेल्स की जॉब को स्टार्ट करें, क्योंकि सेल्स की जॉब में आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, कस्टमर आपको ऐसी कुछ कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो आप लोगों को बहुत सी चीज़ जो है सिखाए जाते हैं, फिर आपके मैनेजर्स आपके जो स्टाफ है जो आपके साथ मिलकर काम कर रहा था उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने सेल्स के कैरियर में जो है बहुत से एथिक्स सीखे हैं, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, तो सेल्स का काम स्टार्ट करें और अपना कैरियर बनाएं और स्टार्ट लें, मैसेज मेरा यही और बेस्ट।
तो कस्टमर सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट है, ये वाला हमने तो डिस्कस ही नहीं किया। हाँ इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि सेल से रिलेटेड कस्टमर का, पर ये एक अलग एक सब्जेक्ट है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और कस्टमर सर्विस के बहुत से करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होगी और बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और शेयर करें। इंशाल्लाह जरा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।